हेलो स्टूडेंट्स, मैं नीरज शर्मा एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे क्लास 10th लेसन नंबर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। इस लेसन के हम चार वीडियोस पढ़ चुके हैं। चारों के चारों वीडियोस मैंने अपनी चैनल की प्लेलिस्ट में डाले हुए हैं। यदि आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप वो चारों देखिए, फिर आज वाला वीडियो देखिए। आज हमारा 5th लेक्चर है और वो किस बारे में है, पीएच स्केल के बारे में है। आइए पीएच स्केल के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पहले हम ये पता करते हैं कि पीएच होता क्या है। पीएच दो शब्दों से मिलकर बना है, पी और एच। पी जो है यहाँ पर क्या दिखाता है, पोटेंज, जो कि एक जर्मन भाषा का शब्द है। एच क्या दिखाता है यहाँ पे, हाइड्रोजन। पोटेंज का क्या मतलब होता है, पावर, और पावर को हिंदी में हम क्या कहते हैं, शक्ति। यानी कि पीएच में दो शब्द हैं, पी और एच। पी मतलब पोटेंज और एच मतलब क्या है, हाइड्रोजन। इसको और अच्छा समझने के लिए आइए एक उदाहरण के द्वारा इसको समझने की कोशिश करते हैं। हम जानते हैं कि जो जल होता है उसके अंदर जब आयोनाइजेशन होती है, यानी जल जब आयनीकृत होता है, तब दो आयन बनते हैं। एक एच पॉजिटिव आयन बनता है और दूसरा क्या बनता है, ओ एच नेगेटिव आयन बनता है। और हमारे पिछले वीडियोज में हम पढ़ के आए थे कि वो पदार्थ अम्लीय कहलाएंगे जो एच आयन दें, वे पदार्थ अक्षारीय कहलाएंगे जो कैसे आयन दें, OH आयन दें। परंतु जल ने तो दोनों आयन दे दिए, एच आयन भी दिया है और कैसा आयन दिया है, OH आयन दिया है। तो जल क्या है, अम्लीय है या अक्षारीय, क्योंकि जल के अंदर एच आयन और OH आयन की संख्या समान है, यानी दोनों आयनों की संख्या क्या है, बराबर है। इसलिए जल ना तो अम्लीय है ना ही अक्षारीय है, जल कैसा है, उदासीन। यानी कि वे पदार्थ जो ना अम्लीय हों ना अक्षारीय हों, उन्हें हम क्या कहते हैं, उदासीन पदार्थ कहते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे मन में एक प्रश्न आता है, अम्लीय पदार्थों में क्या केवल एच आयन होते हैं, क्या अक्षारीय पदार्थों में केवल OH आयन होते हैं? हमारा जवाब है नहीं। अम्लीय पदार्थों में एच आयन के अलावा OH आयन भी हो सकते हैं, और इसी तरह अक्षारीय पदार्थों में भी OH आयन के अलावा एच आयन हो सकते हैं। परंतु अम्लीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनमें एच आयन की संख्या OH आयन की संख्या से ज़्यादा हो। इसी प्रकार अक्षारीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनमें OH आयन की संख्या एच आयन से ज़्यादा हो। आइए एक एग्जाम्पल के द्वारा इसको और अच्छे से समझते हैं। हमने एक अम्ल ले लिया और एक अक्षारक ले लिया, इन दोनों की हमने जल से अभिक्रिया कराई और हमें क्या मिला, आइए देखते हैं। जब HCl आयनीकृत हुआ तब हमें क्या मिला है, एच पॉजिटिव आयन, और क्या मिला, Cl नेगेटिव आयन। जब जल आयनीकृत होगा तब हमें क्या देगा, एच पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन। इसी प्रकार अक्षारक जब आयनीकृत होंगे तब क्या क्या देंगे, Na पॉजिटिव, OH नेगेटिव, और जल जब आयनीकृत होगा तब क्या देगा, एच पॉजिटिव और OH नेगेटिव। अब इस पहली वाली इक्वेशन को आप ध्यान से देखो, इसमें कितने एच आयन हैं, एक और दो, और OH आयन कितने हैं, एक ही है। तो इस इक्वेशन में एच आयनों की जो सांद्रता है वो ज़्यादा है, संख्या क्या है, ज़्यादा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जल है। और इस वाले में, दूसरे वाले एग्जाम्पल में, किसकी सांद्रता ज़्यादा है, OH आयनों की सांद्रता ज़्यादा है, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि ये क्या है, अक्षारक है। तो यहाँ से एक बात देखिए, जो अक्षारक है उसमें अम्ल के भी गुण हैं, एच पॉजिटिव, पर वो संख्या में कम है। इसी प्रकार अम्ल वाले में OH है पर वो संख्या में क्या है, कम है। जो ये बात आती है एच पॉजिटिव आयन की सांद्रता की, इसी को लेकर एक साइंटिस्ट थे सोरेनसन। क्या नाम था, सोरेनसन। 1909 में एच पॉजिटिव आयन की सांद्रता को लेकर, ये जो ब्रैकेट है ये क्या दिखाता है यहाँ पे, सांद्रता को। सांद्रता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन, और हिंदी में क्या कहेंगे इसे, सांद्रता। होती क्या है वैसे, ये सांद्रता का मतलब है किसी इकाई आयतन में उपस्थित पदार्थ की मात्रा, उपस्थित
पदार्थ की मात्रा को हम क्या कहते हैं, उसकी सांद्रता कहते हैं। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को लेकर सोरेनसन ने 1909 में एक स्केल बनाया, स्केल बोलते हैं माप को, उस माप को हम क्या कहते हैं, पीएच स्केल। ठीक है, तो जो आज का हमारा टॉपिक था पीएच स्केल, वो क्या है, किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को दिखाने के लिए बनाया गया है। इस स्केल में क्या होता है, आइए एक डायग्राम की मदद से इस पूरे स्केल को और इस पूरी प्रक्रिया को समझने की कोशिश करते हैं कि हमें इससे क्या क्या जानकारियां मिलती हैं और कैसे कैसे हमें ये समझ आता है, आइए देखते हैं। ये वो स्केल है जो उस साइंटिस्ट ने बनाई थी, जिसे हम क्या कहते हैं, पीएच स्केल कहते हैं। अब आप ध्यान से देखिए, इस पीएच स्केल की शुरुआत कहाँ से होती है, 0 से, और अंत कहाँ पे होता है, 14 पे। यानी कि ये स्केल एक संख्यात्मक रूप में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को दिखाने के लिए बनाई गई है, और इसमें कोई यूनिट नहीं है, कोई इकाई नहीं है, सिर्फ हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को दिखाने के लिए संख्यात्मक रूप से एक स्केल बनाया गया है, जिसे हम क्या कहते हैं, पीएच स्केल कहते हैं। इस स्केल में 0 से 14 तक संख्याएं हैं। ठीक है, आइए ये स्केल क्या उपयोग में लाई जा सकती है, ठीक है, इसका आंसर पता करते हैं। तो हम ये कहते हैं, इस स्केल से हम ये बता सकते हैं कि कोई पदार्थ अम्लीय है, अक्षारीय है या उदासीन है। फिर मेरे दिमाग में एक सवाल आता है, ये तो हम सूचक की मदद से भी बता सकते थे कि कोई पदार्थ कैसा है, अम्लीय है, कोई पदार्थ कैसा है, अक्षारीय है, कोई पदार्थ कैसा है, उदासीन है, फिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि सूचक सिर्फ ये बताते थे कि ये पदार्थ अम्ल है, अक्षारक है या उदासीन है, परंतु ये नहीं बताते थे कि कोई अम्ल ए किसी दूसरे अम्ल बी से ज़्यादा अम्लीय है या कम अम्लीय है। यानी कि तुलनात्मक अध्ययन अगर हमें करना है दो अम्लों का, कि कोई अम्ल किसी से ज़्यादा अम्लीय है या नहीं है, या कोई अक्षारक किसी दूसरे से ज़्यादा अक्षारीय है या नहीं है, तब हमें इस स्केल की ज़रूरत पड़ती है। कौन से स्केल की? पीएच स्केल की। इस स्केल से हमें ये पता लग जाता है कि कोई पदार्थ किसी दूसरे से ज़्यादा अम्लीय है या कम अम्लीय है। आइए समझने की कोशिश करते हैं। इस स्केल में ध्यान से देखिए, जो ये येलो कलर आपको दिखाई दे रहा है, ये हाइड्रोजन आयन की सांद्रता है। आप देखो ध्यान से, आप जब 0 पे होते हो तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बहुत ज़्यादा होती है। इसका मतलब ये है कि हाइड्रोजन आयन जहाँ ज़्यादा होंगे वो पदार्थ अम्लीय होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि इस स्केल के हिसाब से 0 जिसका मान होता है वो सबसे ज़्यादा अम्लीय होगा। क्या होगा? सबसे ज़्यादा अम्लीय। और आपको पढ़ाया हुआ है सबसे ज़्यादा अम्लीय पदार्थों को हम क्या कहते हैं, स्ट्रोंग एसिड, प्रबल अम्ल। क्या होते हैं प्रबल अम्ल? वे अम्ल जिनके अंदर सारे के सारे अणु आयनीकृत हो जाएं और हाइड्रोजन आयन दें, वो प्रबल अम्ल कहलाते हैं। यानी हाइड्रोजन आयन की संख्या जहाँ सबसे ज़्यादा होती है वो क्या कहलाते हैं, प्रबल अम्ल। तो हमारी स्केल जो शुरुआत होती है वो प्रबल अम्ल से होती है, यानी 0 जिसका मान होगा वो सबसे ज़्यादा अम्लीय होगा। जब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो हम देखते हैं हाइड्रोजन आयन की सांद्रता क्या हो रही है, कम हो रही है। इसका मतलब ये है कि उन पदार्थों का पीएच मान ज़्यादा होने की वजह से अम्लता घट रही है। तो आइए इसको एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। यदि किसी पदार्थ का पीएच मान 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, तो इनमें सबसे ज़्यादा अम्लीय कौन है? आप वीडियो को पॉज करिए और अपना आंसर ढूंढिए। आपने क्या पाया कि जिसका पीएच मान 0 है वहाँ पर एच आयन की सांद्रता सबसे ज़्यादा है, और जितनी एच आयन की सांद्रता होगी वो पदार्थ उतना ही ज़्यादा क्या होगा, अम्लीय। तो 0 वाला सबसे ज़्यादा अम्लीय है, और पीछे जब हम जाते जाएंगे तो अम्लता क्या होगी, घटती चली जाएगी। ठीक है, अब दूसरी तरफ देखिए, जब हम 7 पे आते हैं, तो यहाँ आप देखिए, आपको नीचे दूसरे कलर से OH आयन की सांद्रता भी दिखाई जा रही है। जब आप 7 पे आए तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जो कि यहाँ से यहाँ तक है, OH आयन की सांद्रता यहाँ से यहाँ तक है, यानी ये दोनों बराबर हैं। पीएच 7 पर
पीएच 7 पर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता व ओएच आयन की सांद्रता क्या है, बराबर है। तो जिन पदार्थों का पीएच मान 7 होगा उन पदार्थों को हम क्या कहेंगे, उदासीन पदार्थ कहेंगे। क्यों कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर एच आयन और ओएच आयन की सांद्रता क्या है, बराबर है। तो अब आप मुझे ये बता सकते हैं बहुत अच्छे से कि जल कैसा है, जल कैसा है, उदासीन है। क्यों उदासीन है, क्योंकि जल के अंदर, शुद्ध जल की बात कर रहा हूँ मैं, जल के अंदर हाइड्रोजन आयन और ओएच आयन की सांद्रता क्या है, बिल्कुल समान रूप में है। परंतु जब हम 7 से आगे बढ़ते हैं, तो जब 8, 9 और 10 पे आता हूँ तो मैं देखता हूँ डायग्राम की मदद से कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता घट रही है, यानी येलो कलर आपका कम हो रहा है और ब्लू बढ़ रहा है। इसका मतलब किसकी सांद्रता बढ़ गई यहाँ पर, ओएच आयन की सांद्रता किससे ज़्यादा होगी, एच से। तो जब 7 के बाद आप आगे की तरफ बढ़ोगे तो वो विलयन कैसे आते चले जाएंगे, अक्षारीय, ठीक है। जब हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बिल्कुल कम हो जाएगी और OH की बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो उस विलयन को हम क्या कहेंगे, प्रबल अक्षारक, यानी कि जिसका मान 14 पे है वो सबसे स्ट्रॉन्ग बेस होगा, जिसका मान 0 है वो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, जिसका मान 7 है वो ना एसिड होगा ना क्या होगा, बेस होगा। आ जाएगी बात समझ में। आइए एक उदाहरण के द्वारा इसको और अच्छे से समझते हैं। 8, 9 और 10 बताइए इनमें सबसे ज़्यादा अक्षारक कौन है, बेस स्ट्रॉन्ग कौन है। आइए टेबल को देखते हैं। जब मैं 8 को देखता हूँ तो मुझे हाइड्रोजन आयन की सांद्रता मिलती है इतनी, और इसके नीचे येलो जो ब्लू कलर है वो ज़्यादा है, यानी कि 8 पर क्या है, बेसिक करेक्टर आपका जो है वो 9 से कम है, 9-10 पे और ज़्यादा है, 11 पे और ज़्यादा है, 12 पे और ज़्यादा है, इस तरह बढ़ रहा है। तो मैं एक बात आपको निष्कर्ष निकाल के दे दूं कि जो 7 आपकी लाइन है, 7, इसके इस तरफ भी बढ़ रहे हैं हम, इस तरफ भी बढ़ रहे हैं, यानी अम्लता का गुण इस तरफ भी बढ़ रहा है, अक्षारीयता का गुण इस तरफ बढ़ रहा है। तो आप ध्यान से समझ लो, 7 की लाइन से दोनों तरफ आप चलोगे, बाईं तरफ भी और दाईं तरफ भी। जब हम दाईं तरफ जाएंगे तो कौन सा गुण बढ़ेगा, अक्षारीयता का गुण, और जब हम बाईं तरफ जाएंगे तब कौन सा गुण बढ़ेगा, अम्लीयता का गुण बढ़ेगा। तो पीएच स्केल से हमें यह जानकारी मिलती है कि कोई पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ से ज़्यादा अम्लीय है या कम अम्लीय है। इसके अलावा इससे हमें यह भी पता लगता है कि किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता से उसका अम्लीय गुण दिखाया जाता है और अक्षारीय गुण भी, यानी अक्षार में भी एच आयन उपस्थित है। आप देखिए लास्ट तक येलो कलर गया है। गणितीय रूप से अगर हम देखें तो पीएच किसके बराबर होता है, देखिए पीएच जो होता है वो माइनस लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन के बराबर होता है। ब्रैकेट के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ, ब्रैकेट क्या दिखाता है, सांद्रता को, कंसंट्रेशन को, और कंसंट्रेशन मैंने भी बताया भी था क्या होती है, इकाई आयतन में उपस्थित उस पदार्थ की मात्रा को कंसंट्रेशन कहते हैं। आइए एक प्रॉब्लम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। यदि कोई विलयन दिया हुआ है जिसकी सांद्रता दे रखी है 10^-10 मोल पर लीटर, मोल पर लीटर किसी की सांद्रता दिखाने के लिए एक इकाई है, ऐसा कोई विलयन है जिसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता इतनी है, तो बताइए उसका पीएच मान कितना होगा और वो पदार्थ अम्लीय होगा या अक्षारीय होगा। आइए सॉल्व करके देखते हैं। पीएच जो है वो माइनस लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन है, यानी कि सांद्रता के बराबर दे रखा है, तो इसका मान तो अगले ने न्यूमेरिकल में दे दिया, क्या लिख दूं, 10^-10। अब एक नियम होता है, लोग जो होते हैं, लॉगरिथम जो होता है वो अगर ऐसे लिखा हुआ है n^a, तो हम उसको जब सोल्व करते हैं तो उसको ऐसे लिख देते हैं a log n, तो हम इसको कैसे लिख देंगे, pH माइनस, और ये माइनस का 10 जो है ये पीछे आ जाएगा, -10 log 10, ठीक है। माइनस माइनस से क्या हो गया, प्लस, क्या हो जाएगा, प्लस, और लोग 10 जो होता है वो गणितीय रूप से 1 के बराबर होता है, तो 10 × 1 यानी आपका आंसर क्या आ गया, 10, यानी वो उस पदार्थ का पीएच मान कितना है, 10 है, यानी वो कैसा होगा, अक्षारीय होगा।
अगर आपको ये बात समझ में आई है तो आप ये वाला प्रॉब्लम आप अपनी सोल्व करें और इसका आंसर अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दे दें। यदि कोई विलयन है उसकी सांद्रता दे रखी है 10^-5 मोल पर लीटर। क्या सांद्रता दे रखी है? 10^-5 मोल पर लीटर। और एक और विलयन है जिसकी सांद्रता दे रखी है 10^-12 मोल पर लीटर। आप दोनों के आंसर निकालेंगे, कमेंट बॉक्स में आप अपना आंसर देंगे। जब आप आंसर निकाल लोगे तो आपको ये समझ आएगा कि वास्तव में कि जो पावर है इसका बड़ा रोल है। आप चेक करना कि पावर से पीएच कैसे रिलेट हो रहा है। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इसके अलावा एक बात और समझने की है जो हमें इस पीएच स्केल से समझ में आएगी कि पीएच जो है उसका मान जो है वो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन के बिल्कुल उल्टा है, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। कैसे? यदि पीएच जीरो है तो हाइड्रोजन ज़्यादा है, पीएच ज़्यादा है तो हाइड्रोजन कम है। मतलब यदि पीएच बढ़ रहा है, पीएच क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, तो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन क्या हो रही है? घट रही है। पीएच और हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन एक दूसरे के क्या हैं? उल्टे हैं। आइए अब हम ये पता करते हैं कि ये पीएच मापते कैसे हैं, किसको प्रयोगशाला में पीएच को किस इंडिकेटर के द्वारा मापा जाता है या किस युक्ति के द्वारा इसको मापा जाता है। आइए देखते हैं, आइए पढ़ते हैं कि किसी विलयन का पीएच जो है वो लेबोरेटरी में या स्कूल लैब में कैसे मापा जाए। किसी विलयन का पीएच मापने के लिए हम जिस इंडिकेटर का उपयोग करते हैं उसका नाम है यूनिवर्सल इंडिकेटर। क्या नाम है उसका? यूनिवर्सल इंडिकेटर, जिसे हिंदी में कहते हैं सार्वत्रिक सूचक। जो सूचक आपने पहले वाले वीडियो में, वेरी फर्स्ट वीडियो में पढ़े थे, जैसे कि लिटमस, फिनोफ्थलीन, ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज, ये सभी के सभी सूचक ये बताते थे कि दिया हुआ पदार्थ अम्लीय है या अक्षारीय है। परंतु यदि मैं दो एग्जाम्पल आपको दे दूँ, जैसे H2SO4, जैसे एसिटिक एसिड, और मैं ये कहूँ मुझे ये बताओ कि इन दोनों में कौन ज़्यादा अम्लीय है, तो आप सामान्य सूचक की सहायता से आप नहीं बता पाओगे कि ये दोनों में से कौन ज़्यादा अम्लीय है। ये तो बता दोगे कि दोनों अम्लीय हैं, पर कौन ज़्यादा अम्लीय है ये सामान्य सूचक की सहायता से आप नहीं बता पाओगे। ऐसी स्थिति में हम यूनिवर्सल इंडिकेटर का उपयोग करते हैं जो पीएच स्केल की सहायता से हमें ये बताता है कि कोई पदार्थ अम्लीय है या कोई पदार्थ अक्षारीय है। इसके साथ साथ कोई पदार्थ अम्ल होने के साथ साथ प्रबल अम्ल है या दुर्बल अम्ल है, प्रबल अक्षारक है या दुर्बल अक्षारक है, ये हम यूनिवर्सल इंडिकेटर की मदद से पता करते हैं। तो पहली बात तो यही कि ये होता क्या है, यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है। यह एक सूचक है, यानी इंडिकेटर है, जो बहुत सारे इंडिकेटरों को मिला के बनाया गया है। ठीक है, इसमें बहुत सारे रंग होते हैं, वो रंग हमें ये सूचना देते हैं कि किसी पदार्थ का पीएच कितना होगा। उस पीएच से हम क्या पता करते हैं? किसी पदार्थ की अम्लीयता या उसकी क्षारीयता की जांच करते हैं। देखिए इस तरह का सूचक होता है वो, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट, ये उस सूचक के रंग होते हैं। किसके? पीएच, जिसके आप बात कर, यूनिवर्सल इंडिकेटर के। जब हम किसी यूनिवर्सल इंडिकेटर के अंदर कोई भी किसी विलयन की बूंद डालते हैं, हमें नहीं पता वो विलयन क्या है। मान लीजिए ए कोई विलयन है, मैंने उस ए विलयन की बूंद यूनिवर्सल इंडिकेटर की स्ट्रिप पे डाल दी। यूनिवर्सल इंडिकेटर को हम स्ट्रिप के रूप में यूज करते हैं। यदि मैंने ए कोई पदार्थ है उसकी कोई बूंद यूनिवर्सल इंडिकेटर पे डाल दी तो उसके रंग में बदलाव आएगा। मैं उस रंग के बदलाव को नोट करूंगा, वो रंग का बदलाव कैसा है। वो इन में से कोई एक होगा। किन में से? विबग्योर में से, VIBGYOR, विबग्योर में से कोई एक रंग होगा। जैसे ही रंग आ जाएगा मैं उसको अब पीएच स्केल पे लेके जाऊंगा। यानी कि यदि इस विलयन की बूंद डालने से यूनिवर्सल इंडिकेटर का कलर रेड आया है तो वो पदार्थ कैसा होगा? प्रबल अम्ल। याद रखना है आपने, यदि रंग कैसा आता है? रेड, तो वो कैसा होगा? प्रबल अम्ल। अब मुझे ये पता है यदि वो प्रबल अम्ल है तो उसका पीएच मान कितना होगा? जीरो होगा, एक होगा, या किसके बीच में होगा? दो। यानी कि रेड जो कलर है, हर कलर एक पीएच को शो करेगा। हर कलर किसको शो करेगा?
एक पीएच को शो करेगा। ये मैंने शॉर्ट में बताया है विबग्योर, यानी आपको मैंने 3 और 3, 6 और 1 7 रंग दिखाए हैं, परंतु आप कहोगे सर यहाँ तो 14 तक इंडिकेटर हैं, तो इनके बीच के भी रंग हैं, वायलेट और इंडिगो के बीच में भी कलर। एक आपको चार्ट मिलता है, उस चार्ट में सभी पीएच के रंग अलग अलग होते हैं। यहाँ तो सिर्फ शॉर्ट में समझाने के लिए बताया गया है, वायलेट और इंडिगो के बीच में भी रंग मिलेगा, इंडिगो और ब्लू के भी बीच में रंग मिलेगा, यानी आप रंग से हर एक रंग हर एक पीएच को शो करेगा। इस प्रकार आप यह बता सकते हो कि कोई पदार्थ कैसा है, कमलीय है या अक्षारीय। यहाँ से एक बात ध्यान रखना, अगर ग्रीन रंग आता है, कैसा रंग आता है ग्रीन, तो वो पदार्थ कैसा होगा, उदासीन। ठीक है, ग्रीन से आप इधर जाओगे तो पदार्थ की अम्लता बढ़ेगी, इधर आओगे तो क्या बढ़ेगी, अक्षारीयता बढ़ेगी। इस प्रकार यूनिवर्सल इंडिकेटर की मदद से आप ये बता सकते हो कि कोई पदार्थ कितना अम्लीय है, कितना अक्षारीय है। इस टेबल को और इस टेबल को ध्यान से देखने की कोशिश करो। यदि आपका पीएच 0 है तो आप यूनिवर्सल इंडिकेटर पे आपका कैसा रंग आएगा, रेड। यदि आपका पीएच 14 है तो कैसा कलर आएगा, वायलेट। ठीक है, इस प्रकार ग्रीन अगर है तो पीएच कितना होगा, 7, यानी वो पदार्थ कैसा होगा, उदासीन होगा। एक बात अवश्य ध्यान रखें, यदि आप यूनिवर्सल इंडिकेटर पे अम्ल जोड़ोगे तो अलग रंग, आप अक्षारक जोड़ोगे तो अलग रंग, जो रंग आएगा उससे आपको क्या पता लग जाएगा, पीएच, और पीएच से आप ये बता दोगे कि वो पदार्थ कैसा है, अम्लीय है या अक्षारीय है। एक बात और ध्यान रखनी है कि हाइड्रोजन आयन और पीएच का क्या संबंध है। पीएच जितना ज्यादा होगा हाइड्रोजन आयन उतने ही क्या होंगे, कम होंगे। आइए एनसीईआरटी की 2 प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं जो अब तक हमने पढ़ा है उसके बेस पे। प्रॉब्लम नंबर 1, आपको 2 विलयन दिए गए हैं ए और बी। ए जो विलयन है उसका पीएच मान है 6, बी जो विलयन है उसका पीएच मान है 8, और आपसे 2 सवाल पूछे गए हैं। पहला सवाल क्या है, कौन से विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्यादा है। दूसरा सवाल आपसे पूछा गया है, इनमें से कौन एसिडिक है और कौन कैसा है, बेसिक है। तो ये वाला सवाल बड़ा आसानी से आ जाएगा। हमने पढ़ा था 0 से 7 और 7 से क्या पढ़ा था, 14। जिनका पीएच मान 7 है वो उदासीन है, 7 से इस तरफ आएंगे तो अक्षारीय होंगे, इस तरफ जाएंगे तो कैसे होंगे, अम्लीय होंगे। तो 8 जो है 7 के बाद इस तरफ आता है, इसलिए हम कह देंगे कि बी जो विलयन है आपका वो अक्षारीय है और ए जो विलयन है वो आपका क्या है, अम्लीय। परंतु जो पहला सवाल है वो ये कहता है, ये बताओ कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता किसमें ज्यादा होगी। तो आपने पढ़ा था कि ये जो स्केल है इसमें ऐसे हाइड्रोजन आयन की सांद्रता हमने दिखाई थी, यानी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बिल्कुल शुरू में बहुत ज्यादा थी और लास्ट में क्या है, बहुत कम। ये जो रीडिंग आपकी 0 है, ये जो रीडिंग आपकी 14 है, तो 6 जो रीडिंग थी और 8 जो रीडिंग थी उनमें आप देखिए किसमें ज्यादा है, 6 में। या इसको यूं भी याद रख सकते हो कि पीएच और हाइड्रोजन आयन की सांद्रता एक दूसरे के उल्टे होते हैं। यदि पीएच ज्यादा है तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता क्या हो जाएगी, कम। तो ज्यादा वाला कौन सा है, 8, इसमें कम होगी, जो कम है उसमें क्या होगी, ज्यादा होगी। आ जाएगा समझ में। अगली प्रॉब्लम एक और है, आपको 4 विलयन दिए हुए हैं ए बी सी डी, ए बी सी और डी। इन चारों विलियनों के मान दे रखे हैं 4, 1, 11, 7 और एक ई और है जिसका विलयन का मान है 9। अब इनके हिसाब से आपसे 4 प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है, कौन सा इनमें से न्यूट्रल है। तो कौन सा न्यूट्रल होगा, जिसका पीएच मान क्या हो, 7 हो, वो पदार्थ क्या होगा, उस वो विलयन कैसा होगा, न्यूट्रल होगा। दूसरा सवाल आपसे पूछा गया है कि कौन स्ट्रोंगली बेसिक है, किसका अक्षारीयपन सबसे ज्यादा है। तो ये ध्यान रखिए कि जब हम इस तरफ जाएंगे, जितना हम टेबल के इस तरफ जाएंगे 14 की तरफ, जो जिसका मान पीएच में ज्यादा होगा वो उतना ही अक्षारीय होगा, यानी 11 क्या है, सबसे ज्यादा अक्षारीय है। अगला सवाल है, कौन सबसे ज्यादा अम्लीय है। तो जिसका पीएच मान सबसे कम होगा वो उतना ही ज्यादा क्या होगा, अम्लीय होगा। तो 1 सबसे क्या है, अम्लीय है। सबसे कम अक्षारीय कौन है, क्या पूछा है, सबसे कम अक्षारीय कौन है। तो ध्यान से देखने का उत्तर है ये, सबसे कम अक्षारीय कौन होगा आपका, 9।
आ जाएगी बात समझ में। अब आपको यह पूछा गया है कि अरेंज द पीएच इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, इन सभी को हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख के दिखाइए। किसमें हाइड्रोजन आयन की संख्या सबसे कम है वो सबसे पहले, जिसमें सबसे ज्यादा है वो सबसे बाद में। तो मुझे लगता है आपको ये क्वेश्चन अगर समझ में आया है, जितना मैंने अब तक पढ़ाया है वो अगर आपको समझ में आया है तो ये आप अपने आप कर देंगे। मुझे इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दें कि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन के हिसाब से इसका क्या ऑर्डर होना चाहिए। आप बताएंगे अपना आंसर कमेंट बॉक्स में। हमारा अगला टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, यानी दैनिक जीवन में पीएच के क्या क्या फायदे हैं। आइए पढ़ना शुरू करते हैं। पहला फायदा हमारे पाचन तंत्र से जुड़ा हुआ है। जो भोजन आप करते हो उसमें मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट्स यानी कि वसा होते हैं। जब भोजन आहार नली से होता हुआ अमाशय में पहुंचता है तो अमाशय में उपस्थित कुछ ग्रंथियां हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का श्रावण करती हैं, जिससे अमाशय का पीएच मान लगभग 1-2 के बीच में हो जाता है। इस पीएच मान 1-2 होने की वजह से वहां का माध्यम कैसा हो जाता है, अम्लीय। इस अम्लीय माध्यम का क्या फायदा है, कुछ एंजाइम जो किसको पचाने वाले होते हैं, प्रोटीन को पचाने वाले होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, सक्रिय यानी एक्टिव हो जाते हैं, जिसकी वजह से प्रोटीन का पाचन होता है और प्रोटीन किस में बदल जाते हैं, अमीनो अम्लों में। परंतु कई बार ऐसा होता है कि जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है उसका श्रावण एक मात्रा से ज़्यादा हो जाता है, यानी कि अम्लता ज़्यादा हो जाती है। इस परेशानी को अति अम्लता भी कहते हैं, यानी एसिडिटी कहते हैं। इससे कैसे निजात पाया जाए, यानी इसे कैसे पीछा छुड़ाया जाए। अम्ल ज़्यादा हो गया तो अम्ल को कम तो कौन कर सकता है, अक्षारक, यानी कि यदि हम अम्ल में अक्षारक मिला दें तो वह उदासीन हो जाएगा, हमारी परेशानी खत्म हो जाएगी। तो ऐसे दो अक्षारक जो इस अति अम्लता को कम करके उदासीन बनाने में मदद करते हैं वो हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और दूसरा है सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी ये दोनों ऐसे पदार्थ हैं जो अमाशय की अम्लता को उदासीन बनाने में मदद करते हैं। ऐसे पदार्थों को जो अमाशय की अम्लता को कम करके उदासीन बनाने में मदद करें, उन पदार्थों को हम क्या कहते हैं, एंटा एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं उन पदार्थों को, हम एंटा एसिड्स कहते हैं। तो आपसे पूछा जाए यदि एंटा एसिड क्या होते हैं तो आप क्या बताओगे, ऐसे अक्षारक जो अमाशय में उपस्थित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को क्या कर दें, उदासीन बना दें, उस माध्यम को उदासीन बना दें, तो वह पदार्थ क्या कहलाएंगे, एंटा एसिड। इसके एग्जाम्पल आपके पास हैं कौन कौन से, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, आइए अगला पीएच का दैनिक जीवन में उपयोग देखते हैं, दंत क्षय। हमारे भोजन का पाचन हमारे मुंह से ही शुरू हो जाता है। भोजन के पाचन के पश्चात यदि हमारे मुंह के अंदर यानी माउथ में भोजन के कुछ टुकड़े बचे रह जाएं, तो कुछ बैक्टीरिया जो हमारे मुंह के अंदर हमेशा उपस्थित रहते हैं, वे बैक्टीरिया उस बचे हुए भोजन को लैक्टिक अम्ल में बदल देते हैं। किस में बदल देते हैं, लैक्टिक अम्ल के अंदर। यह लैक्टिक अम्ल वहां के पीएच मान को, कहां के पीएच मान को, हमारे माउथ के पीएच मान को 5.5 से कम ले जाता है। ऐसी स्थिति में क्या होता है, जो दांतों के ऊपर एक परत होती है जिसे इनेमल कहा जाता है, हमारे दांत के ऊपर एक परत होती है जिसे क्या कहते हैं, इनेमल। वैसे तो ये इनेमल हमारी बॉडी का सबसे हार्ड पार्ट है, यानी कि ये पानी में नहीं घुलता, ऐसे किसी पदार्थ में नहीं घुलता। परंतु यदि हमारे मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो जाए यानी अम्लीय हो जाए, तो यह इनेमल अपने आप टूटने लगता है। किसकी वजह से, उस लैक्टिक एसिड की वजह से। यानी कि हमने अगर भोजन करने के बाद हमारे माउथ को अच्छे से साफ नहीं किया, खाने के कुछ कण बच गए उसमें, तो लैक्टिक एसिड बनेगा। वह लैक्टिक एसिड क्या करेगा, इनेमल की जो परत है वो उसको खत्म करना शुरू कर देगा। इसको क्या बोलते हैं, दंत क्षय, दांतों का टूटना। ठीक है, तो इसका समाधान क्या है, अम्लीय माध्यम बना है तो हम ऐसे किसी पदार्थ का उपयोग करें जो इस अम्लीय माध्यम को क्या बना दे, अक्षारीय। यानी कि आप जो दंत मंजन करेंगे, टूथपेस्ट करेंगे, वो कैसा होना चाहिए, अक्षारीय होना चाहिए।
ठीक है, दो सावधानियां बरती जा सकती हैं। पहली सावधानी तो यह है, ऐसे पदार्थों से बचना चाहिए जिनमें शर्करा की मात्रा ज्यादा हो। दूसरी बात, अगर खाना खाने के बाद आप अपने मुंह को अच्छे से साफ कर लेते हैं तो इसकी संभावना बहुत कम हो जाएगी कि लैक्टिक एसिड बनेगा। फिर भी अगर आप इसकी पॉसिबिलिटी को बिल्कुल ही खत्म करना चाहते हैं तो हमें दंत मंजन लगातार करना चाहिए, रेगुलरली करना चाहिए, जिसकी वजह से वहां पर भोजन के कण बचेंगे ही नहीं। नहीं बचेंगे तो वहां के जो बैक्टीरिया हैं वो उसको माध्यम को अम्लीय बना ही नहीं पाएंगे, यानी कि हमारे दांत क्या रहेंगे, सुरक्षित। आइए पीएच का अगला उदाहरण दैनिक जीवन में देखते हैं। अम्लीय वर्षा, वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैसें जब जल के साथ मिलती हैं तो दो अम्ल बनाती हैं, एक सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरस अम्ल और एक नाइट्रिक अम्ल। इन दोनों अम्लों की वजह से बरसात जो हो रही है उसका पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है। कितना हो जाता है? 5.6 से कम। ऐसी कोई बरसात जिसका पीएच मान 5.6 या इससे कम हो, उस बरसात को हम अम्लीय वर्षा कहते हैं। इसके क्या नुकसान है? यदि यह अम्लीय जल नहरों में, नदियों में चला जाए तो वहां रहने वाले जीवों को नुकसान पहुंचा सकता है, यानी मछलियां और अन्य जीव जो जल में रह रहे हैं वो कम पीएच मान पर नहीं रह पाएंगे। यानी कि अम्लीय वर्षा जो होती है उससे हम किसको नुकसान पहुंचा रहे हैं? जलीय जीवों को। इसके अलावा अम्लीय वर्षा की वजह से कुछ इमारतों को भी नुकसान होता है जो किसकी बनी हुई हैं? संगमरमर की, यानी कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट क्या है? एक अक्षारक है। बरसात कैसी हो रही है? अम्लीय हो रही है। अम्ल और अक्षार मिलकर क्या बना देंगे? लवण बना देंगे, यानी उस भवन को नुकसान हो सकता है। इसके अलावा खेतों में भी, क्योंकि मिट्टी जो होती है उसका एक विशेष पीएच मान हो तभी उसमें फसलें उगती हैं। ज़्यादा अम्लीय मिट्टी में भी फसलें नहीं उगती और ज़्यादा अक्षारीय मिट्टी में भी फसलें नहीं उगती। एक विशेष पीएच मान जो कि ना ज़्यादा अम्लीय हो ना ज़्यादा अक्षारीय हो, उसी में आप बगीचे में पौधे उगा सकते हो। तो हम किसी मिट्टी के अंदर भी अम्लीय वर्षा से नुकसान को देख सकते हैं। आइए अगला पढ़ते हैं। पशुओं एवं पौधों द्वारा आत्मरक्षा। कुछ पशु या कुछ पक्षी या कुछ जीव ऐसे होते हैं जो अपनी आत्मरक्षा में कुछ ऐसे पदार्थों का उपयोग करते हैं जो अम्लीय या अक्षारीय होते हैं। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं, जैसे कि हनीबी यानी कि मधुमक्खी। मधुमक्खी को अपनी रक्षा के लिए किसी व्यक्ति के शरीर में अपना एक डंक छोड़ देती है। उस डंक में कौन सा अम्ल होता है? मीथेनोइक अम्ल होता है। ऐसे ही चींटी का डंक होता है, उसमें भी मीथेनोइक अम्ल होता है। ऐसे ही बिच्छू का डंक होता है, उसमें भी मीथेनोइक अम्ल होता है। यानी उस मीथेनोइक अम्ल की वजह से हमारे हाथ पे या जिस जगह पे उसने काटा है वहाँ सूजन आ जाता है। उसको दूर करने के लिए हम किसका उपयोग करें? किसी अक्षारक का उपयोग करें, यानी जहां मधुमक्खी ने काटा है वहां मैं सोडियम बाइकार्बोनेट लगा दूं, मीठा सोडा लगा दूं जो घर में आसानी से उपलब्ध होता है, तो वहां पर एक अभिक्रिया होगी। कौन सी? अम्ल की और अक्षार की। क्या बनेंगे? लवण और जल, जिस वजह से उस अम्ल का प्रभाव क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, यानी कि उससे हम बच सकते हैं। आइए कुछ पौधों के उदाहरण लेते हैं। एक नेटल नाम का पौधा होता है, नेटल प्लांट। इस पौधे की पत्तियां जो होती हैं उन पत्तियों पर छोटे छोटे बाल होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती हैं। उन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स के अंदर मीथेनोइक एसिड होता है, ठीक है। यदि हम उन पौधे की पत्तियों को छू लें तो उस वजह से हमारे हाथ में मीथेनोइक अम्ल आ जाएगा, यानी हमारी स्किन में मीथेनोइक अम्ल चला जाएगा, जिसकी वजह से सूजन आ सकता है या खुजली हो सकती है और भी नुकसान हो सकते हैं। प्रकृति ने यह गुण पौधों को उनकी सुरक्षा के लिए दिया है, यानी कि पौधे अपना बचाव कर सकते हैं इस गुण की वजह से। सबको पता है अगर आपने इसको टच किया तो आपको मीथेनोइक एसिड जो है वो आपके शरीर पे लग जाएगा और जिससे आपको नुकसान हो सकता है। परंतु यदि गलती से ऐसा हो भी जाए तो प्रकृति ने इसका सुझाव भी मौके पे वहीं दिया है। इसी के साथ कुछ पौधे डॉक पौधे कुछ उगे हुए होते हैं डॉक नाम के। उन पौधों का जो प्रभाव होता है वो अक्षारीय है। नेटल पौधे का प्रभाव कैसा था? अम्लीय। उसी पौधे के साथ उगने वाले डॉग पौधे का प्रभाव कैसा है? अक्षारीय। यानी कि गलती से अगर इस पौधे को छू लिया जाए तो इसके प्रभाव को कम करने के लिए किस पौधे को लगा लें? हम डॉग नाम के पौधे को लगा लें, जिसकी वजह से वहां जो अभिक्रिया होगी वो कौन सी होगी? उदासीनीकरण। अम्ल पे किसका
अक्षार का आ जाएगा। तो अम्ल और अक्षार मिलकर क्या बना देंगे, उदासीन बना देंगे, लवण और जल बनाएंगे, यानी कि कैसी अभिक्रिया होगी, उदासीनीकरण, यानी हम उस परेशानी से निजात पा सकते हैं। अगला पीएच का दैनिक जीवन में उपयोग देखिए, बगीचों में पौधे उगाने में, यानी मैंने अभी बात करी थी अम्लीय वर्षा के टॉपिक में कि पौधे जो होते हैं वो एक विशेष पीएच पर ही उगाए जाते हैं, ना ज़्यादा अम्लीय माध्यम में उगा सकते हैं ना ज़्यादा अक्षारीय। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, हमने इस वीडियो में पीएच को और उसको यूनिवर्सल इंडिकेटर को बिल्कुल कम्प्लीटली पढ़ा है। यदि आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई क्यूरी है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपको टॉपिक कैसा लगा ये भी आप कमेंट्स बॉक्स में बजा के बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।